चलो भाई ध्यान दो। चार वर्षों में इतना हो गया, सात वर्षों में इतना हो गया, यह चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो चक्रवृद्धि लिख दी है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर बताओ। अब बेटा इधर सुनो, ये थोड़ा बताना जरूरी है। 54,000 रुपये बने 59,582, कितनी साल में? 3 साल में। और हमने कहा था जितने वर्ष का गैप हो, जितने वर्ष का गैप हो वही रूट लगा दो। 3 साल का है तो 3 रूट यानी क्यूब रूट लगा दो, बस रेशियो निकाल दो भाई। पहले तो इसको काट के छोटा ही कर लेते तब लगाते। तो किससे कट रहा है? देखो 9 से कट रहा है, 9 छक्के 54, ये 9 छक्के 54 बची कितनी? 5। 9 7 63 बची कितनी? 2। 9 से नहीं कट रहा यार, 9 से नहीं कट रहा। ओहो फिर तो मेहनत करवाएगा ये। 59,582 किससे कट रहा है? एक बार काट के देखो इसको जल्दी से। 2 से तो कट ही रहा है, हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा कट जाए। तो 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया? 27। दो दूनी 4, 2 छक्के 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2। बेटा देखना एक बार सही किया ये। नहीं, ये 9 आएगा। अच्छा अब लगा दो इस पे क्यूब रूट, अब लगा दो इस पे क्यूब रूट। तो इधर कितना बन गया ये? इधर तो 30 बन गया बेटा, इधर कितना बन गया? 30। और ये इसके नजदीक है तो 31 होगा 100%। तो बोलो कितना बड़ा है? 21 पे 30 पे, तो 100 पे कितना? दैट इज आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। चलो अगला प्रश्न देखो। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा? पहले आप कोशिश करो, बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, कोशिश करो, बहुत छोटा प्रश्न है, आसानी से आप जवाब दे सकते हो। बेटा इधर ध्यान दो, 8 वर्षों में 3 गुना, बोलो सही है? तो ये कह रहा है कितने वर्षों में 243 गुना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सीआई के केस में, एसआई के केस में तो बिल्कुल ही इजी होता है, अगर कभी भी सीआई के केस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है बताओ? ये कितना गुना? 3 गुना। हमेशा जो अगला पूछा जाएगा वो इसकी पावर पूछी जाएगी, तो बताओ 3 की पावर कितनी? 5। बोलो ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है? ये 3 की पावर 1 है, यानी जब 1 तब 8, जब 5 तब 5 गुना, तो 8 × 5 दैट इज 40 ईयर्स। ठीक है, दैट इज 40 ईयर्स। चलो बेटा अगला देख लो एक बारी जल्दी से।
देख लो, कोई ज्यादा टफ है नहीं। बच्चे ने 10 साल आंसर दिया है। इसको तो सब रटा ही पड़ा है ऐसा लगता है, यानी इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। शाबाश बेटा। तो कितने वर्षों में अपने का इतना गुना हो जाएगा? उल्टा कर दिया, 30 साल में कितना गुना? 13.824। तो कितनी साल में कितना गुना? 2.4। तो अब जिसको याद होगा ना वो कर लेगा, अब जिसको 24 का क्यूब पता होगा वो इसको कर सकता है कि 24 का क्यूब ये होता है। सुन पा रहे हो? तो इधर देखो, ये पावर एक और ये पावर कितनी? 2.4 की 3। तो 3 का, मगर इधर देखो, 3 का मतलब अगर 30 है तो एक का मतलब कितना होगा? 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10 होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो, छोटा सा है, जल्दी उड़ा दो। ना ना, ठीक किया बेटा, यही लॉजिक तो दिमाग में आने चाहिए बेटा, इन्हीं लॉजिक से तो चीजें बनती हैं। सर 24 का क्यूब याद तो नहीं था बट यूनिट डिजिट से लगा लिया, बहुत बढ़िया बेटा, साहस। 15 वर्ष में 27 गुना। इधर देखो, अब थोड़ा फंसाने की कोशिश की लेकिन फंसाना कुछ नहीं, 27 गुना। तो 25 वर्षों में यह धन कितना हो जाएगा? बेटा मुझे एक बात बताओ, इसे हम 3 की 3 कहेंगे? बोलो सही है। तो आपको पता है कि यहां जो पावर होती है वो यहां मल्टीपल होती है। तो देखो, 3 अगर 15 है तो 1 कितना होगा बेटा? 3 का डिवाइड करो 5। मैं एक स्टेप अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं कि अगर यहां पर 3 गुना होता, कितना गुना? 3, तो यहां 5 वर्ष होती है। लेकिन वो कह रहा है 5 × 5 वर्ष, मतलब 25 वर्ष इसी को तो कहेंगे बेटा, सही है? तो इसका मतलब है वो कह रहा है इस पे पावर कितनी लगा दो? 5। तो दैट इज 3 की पावर 5 मींस 243 टाइम्स। तो आंसर आपका भी हो जाएगा बेटा, पक्की बात। सेट हो गई दिमाग में कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पे देखो जल्दी जल्दी। अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना, तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा? आप खुद से कर सकते हो लेकिन फिर भी कर ही दो, चलो करो। करो भाई, करो जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, फटाक से निपटा दो। 27 वर्ष में
अपने का 64 गुना, ठीक है, बहुत सही है। तो 512 गुना पूछा है कितने वर्ष में। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है, कि ये हमेशा पावर में होना चाहिए। अब बताओ 64 का, 128 का, 256 का, 100, ये बताओ। चलो 2 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 की 6 और ये 2 की कितनी है, 128, 7, 8, 9, यही है। अब बताओ ये पावर जो 6 है ना, उतने का ही इसमें भाग करते हैं क्योंकि इतना मल्टीपल है। तो मुझे बताओ अगर वो सिर्फ 2 गुना बोलता तो टाइम कितना होता, 27/6, यही होता, बिल्कुल होता। 2 गुना बोलता तो 27/6 होता, लेकिन 9 गुना बोला, इधर देख पावर 9 है, तो यानी 9 का गुणा इसमें कर दो तो 27/6 × 9, 3 से कटा 3 बार, 81/2 का मतलब 40.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40.5। 13.3 के क्यूब कर दो, हाँ उससे भी हो जाएगा, 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर तो बना ही रहेगा। 2 से कर दो, किसी से भी कर दो। चलो भाई अगला देखो फटाफट, जल्दी से, जल्दी से देख लो। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयुक्त हो तो राशि बताना है। चलो इसको बताओ, वैसे है बहुत छोटा। बताइए भाई इसका आंसर बताइए। हाँ भाई बताओ। क्या ये सच में इतना बड़ा है, कभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। FN 52, तो कमा रहे या कर भी रहे हो। देखो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अपना नेचर होता है, क्या होता है, सक्सेसिव नेचर होता है। सक्सेसिव नेचर का मतलब कि कोई ऐसा है तो बढ़ के अगर ऐसा बना तो आगे बढ़ के पे ऐसा बनेगा, यानी वैल्यू बढ़ती जाएगी लगातार, और बढ़ने का क्रम होता है ऐसे, इस पे बढ़ा तो ये बना, अगली बार इस पे नहीं बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा, तो ये सक्सेसिव नेचर होता है। तो ये कह रहा था कि कोई प्रिंसिपल है, कोई राशि है, हमें नहीं पता। 3 साल बाद 8028 हुई, कितनी साल बाद, 3 साल। अगली बार फिर से 3 साल बाद कितनी हुई, वो 12,042। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4,014 रुपए बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 4,014। अरे भाई 14 जुड़ गया तो 42 हो गया, और 4,000 जुड़ गया तो 12,000 हो गया। तो ये 4,014 बेटा बताइए इसका 50% है कि नहीं। अरे 8,028 का 4,014 जस्ट आधा हुआ, यानी 50%। इसका मतलब यह है कि यह कह रहा है कि नेचर पता चढ़ गया, सीआई का नेचर होता है एक, मैंने बता रहे सक्सेसिव नेचर होता है। मतलब क्या है कि जो भी टाइम गैप है
उस टाइम गैप में वो खुद का उतना ही गुना होता जाता है, उस टाइम गैप में वो खुद का उतना ही गुना होता जाता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ 8028 जो है ना, 50% बढ़ के, मतलब 150% होके ये बना है। यही तो कह रहा है ये, कितनी साल में, 3 साल में। तो इसका मतलब ये भी तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल खुद का 150% बढ़ के ये बना होगा 8028 बेटा, पक्का बना होगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6 बची 2, 3 छक्के 18 बची 2, 3 सात 21, 3 छक्के 18 तो पी बराबर 6 कितना, दैट इज आ गया 5352। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ बताया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, अदरवाइज तुम सीआई से करोगे बहुत टाइम लगेगा, कहो तो उससे भी करके दिखा दे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें, बड़ा टाइम खराब हो जाएगा आपका परंपरागत मेथड से। पता है उससे क्या करोगे तुम, आप तो जानते ही हो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+R/100 की पावर टी, यही होता है ना। तो ये 3 साल का अमाउंट है, ये 6 साल का अमाउंट है, तो बताओ 6 साल का अमाउंट क्या लिखोगे, पी इंटू 1+R/100 की पावर 6, और 3 साल का क्या लिखोगे, पी इंटू 1+R/100 की पावर 3, और फिर डिवाइड करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, पी से पी कटा, 1+R/100 की पावर 3 निकलेगा डिवाइड में, यही निकलेगा। कीजिए तो, करात कर रहे। अरे बेटा देखो, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 8028 बटे उल्टा 12042 बटे 8028 के बराबर होगा, ये सुन पा रहे हो। तो इसका मतलब इसको काटेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर निकलेगी, 3/2 के बराबर, सही है। अब आप किसी एक में रख दो, हमारे पास क्या है, पी इंटू 1+R/100 की पावर टी, और टी की जगह पर क्या लगा दो, 3, बराबर आपको दे रखा है 8028, ये 3 साल का ही है ना, अरे 3 साल का ही तो अमाउंट है, और इसकी वैल्यू हमें रेडीमेड पता है 3/5, तो पी इंटू 3/2 बराबर में 8028। तो हम यही चीज तो सिखा के गए थे तुमको, तो इतनी नौटंकी में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया बेटा, खुद भी हंसी रहे हो कि सर क्या जरूरत थी इतनी डिटेल में जाने की, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगला देखो फटाफट जवाब करो, इतना टाइम कहाँ लग गया, आ गया
बेटा सेम क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। कैसे? कोई प्रिंसिपल है 7.5 साल बाद कितना हो गया 6400, और उसके 7.5 साल बाद यानी 15 साल बाद, भाई यहां तक 7.5 तो 15 है, तो 7.5 ही बचा, 8000 हो गया। बताओ कितना बढ़ गया, कितना बढ़ रहा है बेटा? 1600, 16 चौके 64 यानी 25% बढ़ गया, तो आंसर ही हो गया पी का 25% बढ़ना, मतलब 5/4 होना ही 6400 है। कितना हो गया बेटा ये 1320, नहीं नहीं 5 × 5 बची 1, 5 × 2 = 10 बची 4, 5 इसका 4 में गुणा करना है, 12 × 4 = 48 बेटा 5120 हो रहा है ये तो। हाँ वही तो कर रहे हैं, तैतालीस सौ बीस कैसे हो रहा है? 5 से काटो, 5 × 5 बची 1 = 14 हो गया, 5 × 2 = 10 बची 4 = 40 हो गया, 5 × 8 = 40 ठीक है। अब ये कितना हो गया पी बराबर 0 × 8 = 32 / 2 ठीक है, 4 × 8 = 9 = 10 = 11 बेटा 5120 होगा ना कि 4300। हाँ 5120 होगा बेटा, समझ पा रहे कितना होगा 5120। ओके नेक्स्ट, बेटा फटाफट आंसर करो इसका, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आई वॉन्ट टू सी द आंसर ऑफ ऑल। इतना भी यूनिट डिजिट मान लो कि दोनों के सेम आ रहे हैं, फिर तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया, देखो सुनो भाई, कोई प्रिंसिपल है 10 साल बाद कितना हुआ 2800 ठीक है, और 15 वर्ष बाद मतलब अगले 5 साल बाद ये 10 है और ये 5 है 3500 ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, यहां 5-5 के 2 सेक्टर नहीं हो जाएंगे? और ये हमको क्या मैसेज दे रहा है, ये हमको मैसेज दे रहा है कि 700 बढ़ गए किस पे 2800 पर। बेटा 700 रुपए बढ़े किस पे 2800 पर, तो बताओ 7 × 28 यानी कि 25% धन बढ़ गया। बोलो क्लियर सी बात है, आराम से सुनते चलना। तो मुझे बताओ 5 साल में, ये कह रहा है 5 साल में खुद का 25% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, पी का 25% बढ़ाएं तो 125/100, तो बताओ हम यहां तक आ गए कि नहीं? ओ भैया 5 साल में बढ़ के यहां तक पहुंचे,
और फिर इसका 25% बढ़ा दें मतलब 5/4 तो कितना हो जाएगा 2800। बस इतना सा प्रश्न है। तो 25 × 2400 तो बताओ पी बराबर क्या बनेगा 28 × 4 × 16 बोलो यही बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो 28 × 56 × 112 में 16 का गुणा करो तो पीछे 2 जरूर आएगा। देखो है किसी ऑप्शन में तो यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है। हाँ भाई हो गया बेटा। अगला देखो बेटा। ओके हाँ भाई। 4 वर्षों में इतना, 8 वर्षों में इतना, 12 वर्षों में कितना? कुछ नहीं, यही देख लो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया। और उसका 7350 का उतना ही परसेंट बढ़ा देना। इजी प्रश्न है, टाइम खराब नहीं करना उस पर। एक निश्चित 2 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलो इसका आंसर बताओ भाई। बेटा एक बार इसका आंसर बताओ, पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है।